ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को, याद रखो, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। तुम हुकूमत में आज हो कल नहीं होगे तो क्या होगा बताओगे? हम मुतालबा करते हैं कि वो नाम क्या है बताओ आप। और फिर भी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुलिस को माशाल्लाह उस वक्त एक गोली नहीं मारी, सस्पेंड कर दिया उन लोगों को। अब वो बिचारे क्या है मेहमान। अब फिर आप देखते हैं कि जुनैद नसीर को मारा गया। मुझे यकीन है कि जुनैद नसीर की रूहें भी पुकार कर उनसे कह रही है कि हमको नाहक मारा गया, हमको इसलिए मारा गया क्योंकि हम मुसलमान थे। मगर जुनैद और नसीर की रूहें पुकार कर कह रही है कि हमने दीन हक की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो, जमहूरियत के दायरे में रहकर हमसे जो नाइंसाफी की गई उसका बदला लो, कानून को इस्तेमाल करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल हम देखते हैं कि गुजरात के नरोड़ा गांव में एक फैसला आया, 12 मुसलमानों को जिंदा जला दिया 2002 में। और फिर फैसला आया, पूरे बरी हो गए। तो क्या हमारे वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या वजीर आजम उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? जो फिर आखिर किसने मारा फिर मुसलमानों को? और वजीर आजम साहब, मुख्यमंत्री तो आप थे ना जब नरोड़ा का जो फैसला आया, मगर आप क्या इंसाफ करेंगे? हम पूछना चाहते हैं, किसी ने, कोई सहाबी ने मुझसे पूछा कि इस पर आप तबसरा करिए, तो मुझे अचानक राहत इंदौरी का शेर याद आया। राहत इंदौरी ने कहा था कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो, अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये हुआ है, ये हुआ।